हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी को लेके। दोस्तों, वैकेंसी कहाँ से आई है? वो आई है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ये वैकेंसी आई है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो क्या है क्राइटेरिया। दोस्तों, आपको डाउनलोड कहाँ से करना है मैं वो आपको बता दूँ। दोस्तों, तो डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो वैकेंसी एंड रिजल्ट हैं, इस पर क्लिक करते ही आपका जो वैकेंसी डिटेल्स है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी वैकेंसी, कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो यहाँ पे आता है, देख सकते हो नंबर वाइज। मैं बात कर रही हूँ वैकेंसी नंबर थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड की बात कर रही हूँ दोस्तों, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर जूनियर जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन दिया है आपको दोस्तों, तो जाके यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। जो रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं वो उसका पूरा डिस्कशन आपके साथ करना चाहती हूँ। आपको कोई भी उसमें मिस्टेक्स ना हो इसके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना दोस्तों। तो चलते हैं अभी अभी अपने नोटिफिकेशंस की ओर। ये है हमारा नोटिफिकेशन दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यूपी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई है दोस्तों, रिक्रूटमेंट आई है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं नीचे जाती हूँ, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, कौन सा नंबर है ये, मैं जाती हूँ वैकेंसी डिटेल की ओर, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की बात की गई है फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो जनरल वालों की 108 हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वालों की जो वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हो, 27, 81, 32 एंड 52 एंड 3 है। यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जनरल में 7 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, ओबीसी में 6 एंड एससी 6 एंड एसटी वालों की 1 है। यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो जनरल वालों की 5 है, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए। नीचे चलते हैं अपने नोटिफिकेशंस में आगे, तो ये है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जनरल के लिए 1 सीट है दोस्तों, ओबीसी की 1 है एंड एससी की 1 है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल आपके सामने मैंने डिस्कस किया अभी। यहाँ पे पेमेंट पे स्केल की बात करते हैं, 7 पे कमीशन लगेगा आपका, एंड कितना देंगे तो 56,100 आपको पे किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, और जो भी आपका अलाउंस होगा वो आपको दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट रूल्स, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट है, कैंडिडेट शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज फॉर ऑफ हिंदी, तो आपको हिंदी में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसकी। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मिक्स्ड डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है या फिर ट्रिपल ई की हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करती हूँ कंप्यूटर साइंस वालों की, तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि जो आईटी वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, या फिर जो मिक्स डिसिप्लिन और भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग का जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, आप फ्री में नहीं दे सकते इसे। अभी हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर जो सिविल का भी उसी तरह है दोस्तों, क्या है जो सिविल होंगे और उसे कंबाइंड जो भी होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 ईयर मिनिमम है एज लिमिट है, एंड मैक्सिमम की बात करते हैं तो 40 ईयर्स मैक्सिमम है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन जो ओबीसी वालों को, एससी एसटी जो है उसको एज पर जो उत्तर प्रदेश डोमिसाइल जिसके पास होगा उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्या है रिलैक्सेशन का रूल्स क्या है। यहाँ पे आपका मेन पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों, आप लोग ध्यान देना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एक्चुअल पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12 मंथ का यहाँ पे होगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखना।
अभी चलते हैं नीचे। तो एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला, प्रोसेस क्या होने वाला। तो एग्जामिनेशन सेंटर यूपी के कोई भी स्टेट, यहाँ पे दिया है मेजर सिटीज़ जो हैं उनके नाम बताए गए हैं, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरपुर एक्सेट्रा, बहुत सारी सिटीज़ होंगे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, तो एक कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा आपका, और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अभी बात करते हैं हम नीचे एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या लेके जाना दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, एक कोई भी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। एंड नीचे क्या करते हैं, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों सबसे पहले, जिसके थ्रू वो आपका जो वेरीफाई होगा वो कर सकते हैं या वो मेल भेज सकते हैं, इसके लिए वो बोला है उन्होंने। सिलेबस क्या होगा दोस्तों सीबीटी का, तो सिलेबस क्या होगा, तो विल बी एज अ सेम दैट गेट जो 2019 का जो सिलेबस होगा वही उसका भी सिलेबस होगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। गेट में थोड़ा हाई लेवल का आता होगा, इसमें शायद थोड़ा कम लेवल आता होगा, पर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि गेट 2019 का ही सिलेबस वो लोग प्रेफर करते हैं। पर एग्जामिनेशन पेपर कैसा आता है दोस्तों, वो प्रीवियस पेपर आप लोग देख लेना, उसके उससे आपको पता चल जाएगा पेपर किस टाइप के आते हैं दोस्तों। अभी चलते हैं नीचे, तो फीस कितनी है, तो फीस के बारे में यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। फीस जो पे करनी है वो ऑनलाइन पे करना है दोस्तों। यहाँ पे वो पूरा फुल डिस्कशन है, अप्लाई कहाँ करना है, तो ये वेबसाइट वहाँ पे दिया, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेना दोस्तों। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, अप्लीकेशन डेट, तो जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 सितंबर एंड जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है दोस्तों, तो इससे पहले आप अप्लाई कर देना। टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी जो टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट, वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में टेंटेटिव डेट आपको दिया गया है। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो ये डेस्क जो ये ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ पर आप कोई भी मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। तो बस ये है आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, तो ये नोटिफिकेशन था पूरा दोस्तों। तो आप लोग को ये अप्लाई करना है इसमें दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी कंपनी है, अच्छा जो पे कर रही है आपको, और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो एलिजिबल हों इसके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह जो जॉब अपडेट्स हैं वो मैं लाते रहती हूँ अपने चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।